क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार कहाँ से आए हैं? हम बहराइच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से आए हैं। बहराइच से आए हैं, यहाँ पे किस इसका इंटरव्यू आपका है? सर मेरा एसी टेक्नीशियन का इंटरव्यू है यहाँ। आप कौन से मतलब एसी को बनाते हैं, बड़ी बड़ी एसी होगा या छोटे छोटे एसी? नहीं सर, हम रूम कंडीशनर या एसी को बनाते हैं। अच्छा, रूम एयर कंडीशनर को बनाते हैं जी सर। अच्छा आप ये बताइए कि रूम एयर कंडीशनर के अंतर्गत कौन कौन सी एसी आती है? सर रूम एयर कंडीशनर के अंतर्गत एक विंडो एसी और स्प्लिट एसी आती है, यही दो एसी आती हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? सर इन दोनों में अंतर है, जो स्प्लिट एसी है इसका जो इनडोर है, जो कूलिंग का सिस्टम है वो रूम के अंदर होता है, और जो आउटडोर है वो रूम के बाहर होता है। और ये विंडो एसी में क्या अंतर क्या है? सर विंडो एसी में क्या होता है, उसको मतलब इंडोर और आउटडोर दोनों को मिला के एक ही में मतलब बनाया जाता है। एक बॉक्स में कर देते हैं, एक बॉक्स में कर देते हैं, उसको विंडो पे यानी कि खिड़की पे लगाते हैं। लगाते हैं। और स्प्लिट एसी टुकड़े में बटी होती है क्या? जी सर। अच्छा, स्प्लिट टुकड़े में, टुकड़े का नाम क्या है दोनों का? सर एक का नाम है इंडोर, एक का नाम है आउटडोर। आउटडोर में क्या क्या सामान लगे रहते हैं? सर आउटडोर में सर इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल नहीं, सारी चीज़ों को बता दे तो अच्छा है। सर कंडेंसर, कंडेंसर, फैन मोटर, कंप्रेसर, कैपेसिटर, फैन कैपेसिटर और फैन कैपेसिटर और कंप्रेसर कैपेसिटर। अच्छा, ये क्या चीज़ है? सर ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, ये कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। कूलिंग को कंट्रोल करेगा जी सर। ये लगा कहाँ रहता है? सर ये विंडो एसी में पीसीबी में लगी होती है। ये पीसीबी लगा, ये वाला हिस्सा कहाँ लगा रहेगा? ये जो लगा होता है, ये जो एवापरेटर है वहीं पे टच होता है। अच्छा, ये कूलिंग कंट्रोल करता है जी सर। एक और सेंसर हमारे पास है, ये कौन सा है सेंसर? सर ये रूम टेम्परेचर सेंसर है। ये क्या करता है? सर ये रूम की हीटिंग को ऑब्जर्व करके मतलब डिस्प्ले पे दिखाता है कि मतलब कितना टेम्परेचर है रूम का। ये क्या चीज है? सर ये थर्मोस्टेट है। ये कहाँ लगता है? सर ये फ्रिज में लगता है। क्या ये एसी में नहीं लगता है? विंडो एसी सर ये नहीं लगता है। विंडो एसी में लगता है कि नहीं? सर विंडो एसी में अगर जो सिलेक्टर स्विच लगा है तो ये लगेगा, तब लगेगा। और जहाँ पे ये लगा रहेगा ये क्या काम करता है? सर ये भी कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। ये लगा रहेगा वहाँ पे ये भी लगा रहेगा? नो सर, जहाँ इसी में से कोई जब पीसीबी लगी हुई तो ये लगा रहेगा, और अगर पीसीबी नहीं सिलेक्टर स्विच लगा है तो ये वाला थर्मोस्टेट लगा रहेगा। ये क्या चीज है? सर ये सिलेक्टर स्विच है। ये कितने प्रकार की आती है? सर ये दो प्रकार की, 5 पिन सिलेक्टर स्विच और 1 6 पिन सिलेक्टर स्विच। पहचान के बताइए इसमें कौन सी 5 पिन है कौन 6 पिन है? सर ये 5 पिन सिलेक्टर स्विच है, 6 पिन सिलेक्टर स्विच। कैसे पहचान गए आप? सर इसके पिन की वजह से। कितने पिन उसमें है 5 पिन में? सर 5 पिन में 5 पिन है, 6 पिन में 6 पिन। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा इस सिलेक्टर स्विच काम क्या होता है? सर ये सिलेक्टर स्विच का काम होता है पूरे विंडो एसी को कंट्रोल करना होता है। ये क्या चीज है? सर ये क्लैंप मीटर है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सर इसका प्रयोग कई जगह करते हैं, एम्पियर नापने के लिए, वोल्ट नापने के लिए भी, कंटिन्यूटी नापने के लिए भी करते हैं, कई काम है इसका, मल्टीपल काम है। इस तार का नाम बताइए। सर इस तार का नाम है प्रोप वायर। अच्छा, इसको प्रोप बोलते हैं ना? ये जी सर, ये प्रोप है। ये प्रोप है, ठीक है, इसे चेक करते हैं। ये क्या चीज़ है? सर ये नोज प्लायर है। ये क्या चीज है? सर ये मैग्नेटिक कंटेक्टर। ये कहाँ लगा होता है? सर ये स्प्लिट एसी के आउटडोर में लगा होता है। आउटडोर में लगा होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है बताएं? सर इसका काम ये होता है कि कभी अगर जो मेरा वोल्टेज अधिक आ जाए तो जो आउटडोर के इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसको मतलब जलने से बचाता है, ये पहले जल जाएगा। सर ये पहले जल जाएगा और बचा लेगा। और जी सर, ये क्या चीज है? सर ये कैपेसिटर है। रनिंग के स्टार्टिंग? सर ये रनिंग कैपेसिटर है। कैसे? अच्छा, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर की पहचान क्या होती है ये बता दें। सर रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर पहचानने के लिए हमें एक बोर्ड की जरूरत होगी, जो रनिंग कैपेसिटर मेरा सीरीज से चार्ज हो जाएगा, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो सीरीज से चार्ज नहीं होगा, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उस पे मोटर स्टार्ट लिखा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, आपने ये बताया कि अगर मोटर स्टार्ट लिखा है जिस कैपेसिटर पे वो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ स्टार्टिंग रनिंग, वो रनिंग कैपेसिटर है। जी सर, जी सर। आप किसी वजह से मिट गया तो आपने ये बताया कि हम अगर कभी मिट गया ये तो सीरीज लैंप से चार्ज करेंगे दोनों कैपेसिटर को बारी बारी से, और जो स्टार्ट करेगा मतलब बाद में जो स्पार्क करेगा वो रनिंग होगा।
सर, जो सीरीज से चार्ज हो जाएगा और स्पार्क करेगा वो रनिंग होगा, और जो इस सीरीज से चार्ज करने के बाद चार्ज नहीं हुआ स्पार्क नहीं करेगा, फिर हो सकता है वो कैपेसिटर ही खराब हो, फिर उसको डायरेक्ट भी चार्ज करके देखेंगे, अगर वो स्पार्क कर रहा है और सीरीज के द्वारा चार्ज नहीं हो रहा था वो स्टार्टिंग कैपेसिटर है। वाओ सही, वेरी गुड, यही सबसे बेस्ट तरीका है हमारे रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को पहचानने का, कि सीरीज लाइन के जरिए से आप पहचान लें, बाकी इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस एक ये लिखा हुआ रहेगा। ये काफ़ी लोगों से इंटरव्यू पूछा गया लेकिन सारे लोग गलत बता रहे हैं, आपने बहुत सही बताया और यही तरीका बेस्ट है चेक करने का। ये क्या चीज़ है सर? ये पाइप कटर है, जो कॉपर की पाइप होती है उसको काटने का काम करता है। ये क्या चीज़ है सर? ये स्वेजिंग टूल है। हाँ। जो पाइप होता है, ट्यूब होता है कॉपर की, उसको फ्लेयर करने के बाद इसको स्वेजिंग करना पड़ता है, क्योंकि दो पाइप को जोड़ने के लिए स्वेजिंग करना पड़ता है। अच्छा, स्वेजिंग करना पड़ता है, स्वेजिंग मतलब ये है कि पाइप के अंदर ही व्यास को फैलाते हैं, बाहरी व्यास को फैलाते हैं, ये बताइए सर? अंदर व्यास को फैलाते हैं। तो फैलाने के बाद क्या करेंगे? दोनों पाइप को एक पाइप को फैला देंगे और एक पाइप को उसके अंदर डाल के उस वहाँ ब्रिजिंग कर देंगे। ब्रिजिंग कर देंगे, अच्छा। इस चीज का नाम बताएंगे आप क्या है सर? ये पिंच करने का, ये पिंच टूल है। अच्छा, पिंचिंग टूल है जी सर। कौन सी पाइप पिंच करते हैं इससे? सर ये कॉपर की पाइप पिंच कर सकते हैं इसे। आप हमने अपने एसी में या एसीयू में अगर हमें पिंच करना है तो किस कहाँ पे जरूरत पड़ती है इसकी? सर अगर पिंच करना पड़ता है, जैसे कैपिलरी जोड़ना हो तो नहीं, वहाँ नहीं कर सकते हैं, मतलब पिंच करने के काम आती है, जहाँ हमें जरूरत है वहाँ पिंच कर सकते हैं इसे। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो हमारे पास पाइप है इसका नाम क्या है? इस पाइप का नाम सर ये चार्जिंग पाइप है। ये किस चीज़ की बनी होती है? सर ये रबड़ वगैरह का बनी रहती है। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि इसमें इनपुट और आउटपुट की पहचान क्या है, थोड़ा बताइए कौन इसमें इनपुट है सर? जो सिस्टम में लगता है उसमें ये देखिए पिन लगता है, ये इनपुट पाइप है और ये आउटपुट पाइप है। अच्छा, जिसमें पिन लगी वो कौन सी है? वो इनपुट पाइप है। जिसमें नहीं लगी है वो आउटपुट है। आउटपुट है, अच्छा ठीक है। चार्जिंग पिन क्या होती है? चार्जिंग पिन का प्रयोग कहाँ करते हैं सर? चार्जिंग पिन, हाँ, या एनआरबी पिन बोल दीजिए सर। चार्जिंग पिन का पिन वहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे कि जहाँ पे मेरे सिस्टम में गैस चार्ज करना हो और कंपनी ने उसे पिंच करके छोड़ दिया है, कंपनी पिंच करके छोड़ देती है तो हमें गैस चार्ज करना होता है, तो उस पिंच वाले पाइप को काट हुआ एनआरबी पिन जोड़ना होता है, वहीं पर चार्जिंग गैस इसके द्वारा, मतलब पाइप के द्वारा हम गैस चार्ज कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है सर? ये है ब्लू लैंप है। अच्छा, ब्लू लैंप, इसके जरिए क्या करते हैं तो? सर इसके जरिए वेल्डिंग करना पड़ता है। अच्छा, ब्रेजिंग करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब पाइपों को ब्रेजिंग भी करनी पड़ती है एसी में? जी सर। ये क्या चीज़ है सर? ये ब्रेजिंग राड है। तो अच्छा, आप ये बताइए, कापर और लोहे की पाइप को जोड़ना है जी सर, तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे सर? कॉपर और लोहा को जोड़ने के लिए वहाँ फ्लक्स पाउडर, ब्रिजिंग राड और ग्लो लैंप की आवश्यकता होगी। और अगर लोहे टू लोहे को जोड़ना है तो? सर तब केवल ब्रिजिंग राड से हो जाएगा। अच्छा अच्छा, फ्लक्स पाउडर का यूज नहीं करेंगे सर? वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि और कॉपर टू कॉपर है तो? सर वहाँ भी नहीं करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है सर? क्योंकि जब दो मेटल, जो दो धातुएं होती हैं, उसको जोड़ने के लिए केवल फ्लक्स पाउडर का यूज किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप ये बताइए कि R22 गैस ज्वलनशील है, मतलब उसमें आग लगेगी या नहीं लगेगी? सर R22 में आग नहीं लगेगी। R32 में लगेगी कि नहीं लगेगी? सर R32 में दो कंपनियां गैस बनाती है, एक ज्वलनशील होती है, एक ज्वलनशील नहीं होती है। लग भी सकती है, नहीं भी लगेगी, डरना चाहिए है? जी सर। और 410 में लगेगी नहीं लगेगी? सर 410 में नहीं लगेगी। अच्छा, तब भी इसमें भी डरना चाहिए, हो सकता है क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, तो उसे डरना क्या, बच से बच के काम करना है। 290 के जो गोदरेज कंपनी बना रही है जी सर, ये ज्वलनशील है कि नहीं? R290 सर ये ज्वलनशील है। ज्वलनशील है जी सर। ज्वलनशील मतलब आग पकड़ लेगा जी सर। तो सिगरेट वगैरह नहीं पियेंगे वहाँ पे? सिगरेट नहीं पियेंगे वहाँ, ब्लो लैंप का भी यूज नहीं करेंगे। जब ब्लो लैंप पहले सारा काम खत्म करके वहीं तब गैस चार्ज करेंगे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपने लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और एक चीज और बता दीजिए, ये क्या चीज़ हमारे पास? सर ये वैक्यूम पंप है। इससे क्या करते हैं? सर गैस चार्ज करने से पहले एसी या फ्रिज जो भी हो तो उसको वैक्यूम करना पड़ता है, उसके अंदर की गैस को, जो प्राकृतिक गैस मौजूद होती है, तो उसको निकालना पड़ता है। अच्छा, उसको अगर नहीं निकालते हैं तो क्या होगा? सर चोक हो जाएगी, उसमें जो गैस होगी, गैस डालने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा होता है, वो जाने के बाद उसमें बर्फ जमा देगा और हमारी फ्रिज या एसी चोक हो जाएगी। चोक हो जाएगी, इसलिए वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम कंप्रेसर करना अच्छा होता है वैक्यूम पंप से?
सर वैक्यूम पंप से ही करना अच्छा होता है, कंप्रेसर से नहीं, कंप्रेसर से उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो आप लोग किसका का यूज़ करते हैं, वैक्यूम पंप का? सर हम लोग तो वैक्यूम पंप का ही यूज करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आपने सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया है। बहुत सही, वेरी गुड, ठीक है।